బ్లాక్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ బయట నుంచి కూడా వచ్చి వస్తున్నారు. కొంతమంది ఐజీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్, డిఐజీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్, డిసిపి ఎస్పీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్. సో అందరికి ఒక కాపీ గణేష్ బందోబస్త్ ఇస్తాం. పోలీస్ కే తరఫ్ సే గణేష్ నిమజ్జనం కి సభీ తయారీయా హో గయీ హై. కల్ 12 సెప్టెంబర్ సభీ డిపార్ట్మెంట్ కే తరఫ్ సే కోఆర్డినేషన్ కే సాథ్ జబ్ యే ప్రొసెషన్ బాలాపూర్ సే హుసేన్ సాగర్ లగ్భగ 19 కిలోమీటర్స్ కా ప్రొసెషన్, ఇస్మే సెక్టర్ వైజ్ హమారే సభీ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఔర్ సభీ బ్రాంచ్ కే ఆఫీసర్స్, ట్రాఫిక్, లా అండ్ ఆర్డర్, స్పెషల్ బ్రాంచ్, టాస్క్ ఫోర్స్, సిటీ సెక్యూరిటీ వింగ్, యే లోగ్ సబ్ లోగ్ రహేంగే. హైదరాబాద్ సిటీ పిచ్లే 5-6 సాలో సే ఖాస్ కర్కే నయా స్టేట్ ఆనే కే బాద్ ఏక్ బిజినెస్ establishment, business destination hi nahi hai balki saath mein cultural capital bhi hai. Abhi kal Muharram procession bahut sahi tarike se samay ke mutabik complete hua aur uske pehle 10 din pehle Sikh religion ke founder Guru Nanak Dev ji unka 550 anniversary उसके लिए जो प्रकाश पूरब यात्रा हिंदुस्तान के सभी स्टेट से निकल के हैदराबाद होते हुए बीदर नांदेड़ के लिए गए, उसका भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ. पिछले 10 दिनों से जो गणेश का तैयारी चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने जो प्लानिंग किए हैं और पब्लिक के कॉपरेशन से हर कुछ बिल्कुल पीसफुल चल रहा है. आज मेन रूट जो हम लोग का बंदोबस्त का है, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, छतरी नाका, शाली बंडा, मुगलपुरा, चार मीनार, ये सब पुलिस स्टेशन होते हुए सैफाबाद और टैंक पॉइंट में निमज्जनम के लिए इसकी सभी तैयारी और खास करके टेक्नोलॉजी के मदद से, सीसीटीवी कैमरा के मदद से सब कुछ बिल्कुल ठीक से चल रहा है. ऐसे समय में हम लोग टैंक पर नेकलेस रोड के अलावा राजन्ना बौली, मीर आलम टैंक और हसमत पे टैंक जो अलवर राजकोंडा में है, वहां आइडल्स का अरेंजमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद राजकोंडा हम लोग किए हैं. जहां भी जरूरत है वहां वज्रा व्हीकल्स, वाटर कैनन, गैस स्क्वाड, फायर इंजन, एम्बुलेंस, बोट्स और स्विमर्स, इसकी भी तैयारी सब जगह हो चुकी है. इस बार हम लोगों ने जियो टैगिंग के लिए लगभग 11,198 आइडल्स का जियो टैगिंग किया, जिससे कि चेकिंग के लिए 24 आवर्स हमारी टीम, सीनियर ऑफिसर्स कब गए, कब चेकिंग हुआ, उसका सबका पता चलता था. सीसीटीवी के लिए हम लोग इस बार पहले से ज्यादा बेहतर इंतजाम किए हैं. आपको ये जानकर खुशी होगी कि हैदराबाद सिटी में अब हम लोगों के पास 3 लाख से ज्यादा कैमरा है सर्वेलेंस के लिए, जिसमें कि 261 कैमरास केवल रूट पे हम लोग लगाए हैं और इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन लिमिट में उनके नीड के हिसाब से कैमरा लगा है. टैंक बंड में खास करके निमज्जनम को देखते हुए 66 कैमरास लगे हैं. उसके अलावा कैमरा माउंटेड व्हीकल्स बालापुर गणेश, चार मीनार, खैरताबाद और तेलगुतली फ्लाईओवर के पास भी रहेंगे. इस बार हम लोगों ने गणेश आइडल ट्रैकिंग सिस्टम, जो बड़े इंपॉर्टेंट 20 गणेश आइडल हैं, उनके मूवमेंट के लिए ये हमारे आईटी कोर टीम ने डेवलप किया है, जिससे कि उनका एग्जैक्ट लोकेशन मिनट टू मिनट हम लोग को पता चलता रहे. शी टीम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी मेजर बंदोबस्त सिटी पुलिस में रहता है, इसके पहले प्रकाश पूरब यात्रा, मुहर्रम प्रोसेशन और अब पिछले 10 दिनों से गणेश का, हर दिन हमारी सी टीम 24 आवर्स अलर्टनेस के साथ काम करते हैं. ऐसे मौके पे आप लोगों से, मीडिया की तरफ से पब्लिक को एक अपील भी हम लोग कर रहे हैं कि कभी लास्ट 2-3 दिनों में एक शिकायत मिल रही है कि कुछ लोग शराब पीकर आते हैं प्रोसेशन में, तो ये रिलीजन के लिए भी ठीक नहीं है, धर्म के लिए भी ठीक नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी ठीक नहीं है. तो आप
खास करके ऑर्गेनाइजर से हम लोग अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को प्रोसेशन में नहीं लाएं। और जितने भी इमर्शन है, निमज्जनम है, सब अगर 12 तारीख को हो जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ एक्सपर्ट, कुछ पंडित लोग कहते हैं कि 13 तारीख को पितृपक्ष है, तो इसीलिए जितना जल्दी निमज्जनम हो वही अच्छा है। लास्टली, मीडिया की तरफ से ऑर्गेनाइजर्स को एक और अपील है कि ऐसे मौके पे डीजे इज बैंड, डीजे को नहीं रखना है। कोई भी हेवी स्पीकर लगाने से कम्युनिकेशन नेटवर्क काम नहीं करता है, वायरलेस से काम नहीं हो सकता है, सेलफोन से आप सुनाई नहीं देता है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप डीजे और लाउड म्यूजिक इस प्रोसेशन में यूज नहीं करें। थैंक यू सो मच।